येस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे मैथ्स पैडागोजी बेसिकली मैथ्स पैडागॉजी की जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं दस से पंद्रह नंबर में पंद्रह नंबर में आपकी पैडागलॉजी आती है तो एक सेशन में हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल है इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करना उतनी कोशिश करेंगे और उम्मीद रहेगी कि एटलीस्ट दस नंबर तक आप इससे स्कोर कर पाएँ बाकि आपकी पर्सनल जो मेहनत है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इस चीज में है ना स्टार्ट करते हैं फिर सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत यू फील कनेक्टेड विद सेशन अच्छा रहेगा आपको समझ में आएंगी चीजें जिनको मैथ्स से डर लगता है एटलीस्ट मैथ्स पेडागॉजी में आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाएं ऐसी कोशिश रहेगी है ना कि बेसिकली मैथ्स पैडगॉजी है क्या पढ़ाना कैसे है या मैथ्स को कैसे हम डिस्कस कर पाएंगे कुछ चीजें छोटी छोटी बातें हैं फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं आसान सी चीजें समझ में आएंगी आपको इस बात की पक्की गारंटी है और कंप्लीट रिवीजन का मतलब वही होता है जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से वो मैं रिवाइज आपको कराऊंगी इसके अलावा एक और गुड न्यूज है आप लोगों को देनी है कि हमने जो चार दिन पहले सी की चार घंटे की मैराथन की थी वो अपने आप में एक रिमार्क कह सकते हैं उसको रिकॉर्ड कह सकते हैं कि वन मिलियन व्यूज उस पर हो गए यानी दस लाख लोग चार दिन में उसको देख चुके हैं क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना तो उसमें कोई नाच गाना चल रहा है ना उसमें कोई एंटरटेनमेंट है और चार घंटे तक एक व्यक्ति बोर्ड के सामने खड़ा होकर के डिस्कशन कर रहा है और आप लोग उसको देख पा रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और पूरी टीचिंग कैटेगरी में मुझे नहीं लगता आज तक लगता क्या फैक्ट भी है कि चार दिन में किसी के एक मिलियन व्यूज हुए हों किसी वीडियो पे टीचिंग के स्पेसिफिकली ये सी या टीचिंग कैटेगरी जो है आपकी टीचिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ अपने आप में अमेजिंग बात है और अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स ये कह सकते हैं लाइव व्यूअर्स रहे हों या कुछ भी रहो बट ये अपने आप में बड़ी बात है दस लाख लोगों ने चार दिन में देखा पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और ढेर सारा प्यार है ना खैर ये एक चीज़ है ये सब चीज़ें चलती रहती हैं मेरी कभी इंटेंशन हुई नहीं है मुझे तो देख ही रहे हो आप मैं खुद इतनी ज़्यादा मैंने लोड लिया हुआ है काम का कि नौ पैंतीस का सेशन कई बार दस मिनट लेट भी हो जाता है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं इस होड़ में हूँ भाग दौड़ की बट नेचुरली जैसे मैं कर पाती हूँ वैसे मैं करती हूँ और मज़ा आता है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के शायद इसी चीज़ ने पिछले चार से साढ़े साल तक चला करके रखी हैं चीज़ें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मजा आएगा मैथ्स पेटोलॉजी सीखने में है ना एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं है ना फिर हम कल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कल एक इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन भी करेंगे ठीक है बात चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आपको पसंद आए डिस्कशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दीजिएगा है ना और कह के कर लीजिएगा जैसे भी मन करे आपका जो मन करे ठीक जैसे ही सी टेट खत्म होता है हम यू टेट और रीट पे बात करना स्टार्ट करेंगे सॉरी डी आपको सारी मिल ही गई है लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी रिवीजन के लिए जिसमें आप कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं पहले देखिएगा एक दो बार सेशन को तब जाकर के दिमाग में बैठ जाएगा और शेयर करते जाइएगा जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स को या किसी भी चीज को हम कुछ करते हैं हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है मैं और आप अभी एक मिनट के अंदर अगर तेरह लोग जुड़े हैं तो एक उद्देश्य है अभी और लोग आएंगे ठीक उद्देश्य है क्या उद्देश्य है कि एग्जाम है आपका और उसके लिए आप फटाफट से कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज कर सकें समझ सकें और अच्छा कर सकें पेपर में कल अच्छे शिक्षक बन सके ये एक उद्देश्य है है ना मुझे मजा आता है डिस्कशन में और वो चीज मैं आप तक शेयर कर पाऊं ये एक उद्देश्य है आपने कितना सीख लिया है और आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे आप खुद को रिव्यू कर पाए असेस कर पाए ये एक उद्देश्य है इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं कुछ गोल्स होते हैं कुछ एम्स होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हल्का हल्क डिफरेंस होता है इन वर्ड्स में बट हम अभी जनरलाइज करके चलेंगे ठीक तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है ये जानना जरूरी है बाकी बातें जानने से पहले है ना वेन हील का मॉडल करेंगे क्यों टेंशन लेते हो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो शुरुआत हुई है ठीक देखिए, मैथमेटाइजेशन पहला पहला और बहुत ही अमेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार आपको देखने को मिला भी होगा एग्जाम में मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस यानी बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको मैथमेटाइज किया जा सके गणितीय बनाया जा सके मतलब इसका मतलब क्या है वो डेली लाइफ में अपने विचारों में आइडियाज में अपनी थिंकिंग प्रोसेस में मैथमेटिकल थॉट्स को यूज कर सके मैथमेटिकली सोच सके रियल लाइफ में अप्लाई कर सके जो उसने कॉन्सेप्ट सीखे हैं या जो भी मैथमेटिक्स उसकी डेली लाइफ में आसपास नजर आता है उसको वो एक्टिवली यूज कर सके मतलब विचारों से उसके जुड़ जाए मैथमेटिक्स और दूसरी चीज क्या है मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स को बच्चे एंजॉय करने लगे तो फर्स्ट इज मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट दाइल्ड बच्चे की जो सोच है उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है उसका हम मैथमेटाइजेशन कर सके उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस एक्टिव हो सके मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स को लेकर के दूसरा बच्चा एंजॉय करने लगे मैथमेटिक्स को ऐसा नहीं है बोझ के रूप में समझे अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यदि टीचर अच्छा मिल जाए आपको तो बहुत बड़ा रोल है इसमें टीचर का मुझे ऐसा लगता है और अगर मैं बात करूं यही बात डेविड व्हीलर कहते हैं शायद आपने कभी पेपर में देखा भी होगा डेविड व्हीलर कहते हैं डेविड व्हीलर बायलिंगुअल बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी सारी चीजें अगर आप समझने की दृष्टि से आए तो बिल्कुल समझ आएगा डेविड व्हीलर कहते हैं कि भाई इट इज नॉट हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथेमेटिक्स मतलब आप बहुत ज्यादा मैथेमेटिक्स जानते हो सारे सवाल हल कर देते हो इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके थॉट में आपकी थिंकिंग प्रोसेस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिकल थॉट हो मैथमेटाइजेशन हो तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि डेविड विलर क्या कहते हैं कि भाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मैथमेटाइज दॉट प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स बजाय कि उसको बहुत ज्यादा मैथेमेटिक्स आता हो उसकी थॉट प्रोसेस मैथेमेटाइज हो जाए वो मैथेमेटिकली सोचने लगे रटना नहीं थिंकिंग में आ पाए नेचुरली वो कनेक्ट कर पाए लाइफ से दूसरा पॉइंट देखिए डन है ये सेकंड पॉइंट है मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस ये तो एनसीएफ भी कहता है कि भाई आप क्लासरूम की नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए यानी वास्तविक जीवन से बच्चे के कनेक्ट कर दीजिए किसको क्लासरूम को तो बेसिकली बच्चे की बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस का उसके जीवन को जीने का अनुभव उसी में समाहित हो किसमें मैथ्स भी समाहित हो जैसे भाई वो कहीं दुकान पे ट्रॉफिया लेने गया है आप मैथमेटिक्स तो हर जगह है लाइफ में तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर दें कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ पाए अपने मैथमेटिक्स को फिर है नेक्स्ट चीज टू डिवेलप लॉजिकल थिंकिंग हम ये सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स एकदम प्योर कहा जाता है इसको मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे फैक्ट्स पे बेस्ड है कहानियों पे बेस्ड नहीं है या मैं कहूं तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते जैसे पेडागोजी में होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इशूज होते हैं आंसर की इससे लेकर के और कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं आपको लगता है ये आंसर होगा वो आंसर होगा क्योंकि पेडागोजी अपने आप में फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है वो फैक्ट्स पे कम बेस्ड है अगर मैं कूँ स्पेशली मैं चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्स उसमें भी हैं लेकिन बहुत सारे पर्सपेक्टिव शामिल हैं बहुत सारे परिपेक्ष शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे थिंकर शामिल हैं, जो अपने अपने विचार रखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन भर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है बट उनको मान रहे हैं वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, हम कह सकते हैं प्रूफ वन चीजें हैं तो कह सकते हैं कि लॉजिक पे चलता है मैथमेटिक्स बच्चे की थिंकिंग को हम लॉजिकल बना सके तर्कपूर्ण बना सके ताकि वो जस्ट एक्सेप्ट ना कर ले चीजों को अंधविश्वासों को वो उसमें अपना तर्क लगाए वो उसमें अपनी सोच लगाए उसके पास फैक्ट्स हो प्रूव करे चीजों के कंक्लूजन तक जाए और हायर लेवल या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करे मतलब उसका दिमाग का जो लेवल है या जो मेंटल स्किल्स हैं वो बेहतर अच्छा, हो उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर हो अच्छा लॉजिकल थिंकिंग जिसकी बेहतर होगी कौन सा ब्रेन एक्टिव होगा लेफ्ट के राइट right? रोज बताती हूँ मैं ये बात ऐसे ही फन के लिए जल्दी बताओ फटाफट से बताओ जल्दी बताओ जल्दी लेफ्ट ब्रेन यानी बाया भाग एक्टिव होगा ठीक है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलूंगी दुखी मत हो परेशान मत हो है ना दोबारा समझोगे दोबारा देखोगे वीडियो समझ में आएगा देखो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स जो बच्चे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल बेसिक प्रमुख संरचना है मैथमेटिक्स की गणित की उसको समझ पाए कि काम कैसे करता है जैसे अर्थमेटिक्स जिसको हम अंक गणित कहते हैं एल जेब्रा जो कि बीज गणित की समझ है जियोमेट्री जामिति और ट्रिग्नोमैट्री त्रिमिति आई थिंक त्रिकोण मिति कहते थे है ना तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये जो स्ट्रक्चर हैं संरचनाएं हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की वो समझ सकें एक बेसिक स्ट्रक्चर उनके दिमाग में आ जाए ये सारी बातें हैं अब हमने दो तीन चीजें यहां पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स किस लिए बनाए जाते हैं एक तो मैथमेटाइज कर पाए हम बच्चे के थॉट को उसकी रियल लाइफ से जोड़ पाए उसकी एक्सपीरियंस से जोड़ पाए उसकी थिंकिंग को तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल बना पाए और बच्चा एंजॉय करे मैथमेटिक्स को बजाय की फियर यानी डर उसके अंदर पैदा हो ठीक है और बेसिक स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बन पाए बहुत ही अमेजिंग सी बात जॉर्ज पॉलिया कहते हैं जॉर्ज पॉलिया एक व्यक्ति हैं जैसे डेविड व्हीलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा गणित जानने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो मैथमेटाइज हो जॉर्ज पॉलिया कहते हैं देर आर टू एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी दो उद्देश्य हैं मैथ्स को पढ़ाने के स्कूल लेवल पर एक है नैरो एम और दूसरा है हायर और ब्रॉड एम्स नैरो होता है संकुचित और हायर या ब्रॉड का मतलब है व्यापक तो अगर मैं बात करूं नैरो एम्स की तो इसको हम कह सकते हैं संकुचित उद्देश्य कह लीजिए आप और अगर मैं बात करूं हायर या ब्रॉड एम्स की तो इसको हम व्यापक कह सकते हैं जैसा कि आप समझ रहे हैं लोग भी ऐसे ही होते हैं ना बहुत सारे लोग संकुचित बुद्धि के होते हैं उनकी जो दुनिया है वो उसी में मग्न है वो एक भी चीज एक्स्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकते आज मैं देख रही थी बड़ा फेसबुक पे ग्रुप किसी ने कुछ डाला हुआ था वो एक पोस्ट थी मैं सुना भी वो यहां नहीं सुना पाऊंगी बड़ा अजीब सा था मतलब हमारी थॉट प्रोसेस इतनी लिमिटेड है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे विचारों से हम वही अटके पड़े हैं धारणाओं में ही हैं तो नैरो एम बेसिकली जिसके जिसका दायरा कम हो बुरा और अच्छा कहना गलत होगा यहां पे हम ये कह सकते हैं जिसका दायरा कम हो तो नैरो एम्स वो हैं जो लिमिटेड हैं अपने आप में लेकिन जरूरी हैं ठीक लिमिटेड हैं हायर हायर एम्स हैं जिनकी सीमाएं अंत नहीं है जिनकी सीमाओं का व्यापक है बहुत सारे दिशाओं में चलती हैं ठीक नैरो एम्स में क्या आएगा नैरो एम्स में जस्ट आएगा बेसिक न्यूमरेसी आ जाए बच्चे को न्यूमरेसी क्या है बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाए जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सीख सके यूज करके मैथ्स को रोजगार पा सके ये है नैरो एम्स ब्रॉड एम की बात करें उसका थॉट लेवल मैथमेटाइज हो जाए वो रिसर्च कर कर सके कल वो रियल लाइफ में कहीं यूज कर सके ये सारी बातें होती हैं ब्रॉड एम्स में एक एक करके समझेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नैरो एम्स की यदि मैं बात करूं ये हुए संकुचित एम्स कुछ उद्देश्य पॉइंट करके कर समझते हैं थैंक यू जी धन्यवाद और uh, aims, तो बना दें भाई ज्ञान की बातें तो आप तब करेंगे जब पेट में कुछ होगा तो एटलीस्ट एम्प्लॉयल तो वैसे तो हमारी पूरी एजुकेशन ही अगर हम देखें तो ज्यादातर उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉय तो बनी जाए हम बेसिकली के तो ना मरे ठीक दीज एम्स एम्फेसाइजेस ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉय अडल्ट जो रोजगार पा सके और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में देश के अपना अपनी भूमिका अपना योगदान दे सकें तो बेसिकली एम ये कहता है कि ऐसे एम्प्लॉयबल एडल्ट्स हम जनरेट कर दें जिनको बेसिक अकाउंटिंग आती हो मैथमेटिक्स आती हो जो समाज और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके तो दे, दे, कैसे काम करेगा ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशन आने चाहिए भाई जोड़ घटाना गुड़ा भाग मेजरमेंट फ्रैक्शन परसेंटेज क्योंकि इनकी डेली देल लाए, लाइफ में ज्यादातर सब जगह पे रोजगारों में जरूरत पड़ेगी एक बेसिक जो दुकान खोल करके बैठा है शॉपकीपर वाले को भी जरूरत है भाई उसको भी जरूरत पड़ेगी परसेंटेज की भी पड़ेगी उसको एडिशन की भी पड़ेगी उसको मल्टीप्लिकेशन की भी पड़ेगी उसको पूरा हिसाब रखना है हो सकता है उसका हिसाब मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छा हो ठीक तो ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन एम के अंदर आते हैं सिकुड़ता हुआ नैरो कह सकते हैं द लिमिटेड एम ऑफ मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल एबिलिटीज वो एबिलिटीज जो रियल लाइफ में या लाइफ एक्सपीरियंसिस में लोगों के ज्यादा काम आती हैं जो वो डेली लाइफ में यूज कर पाए बेसिक कैलकुलेन्स कह सकते हैं बेसिक कह सकते हैं है 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 ना ना यहां तक की बात समझ में आ रही है? समझ में में आ आ रही रही तो लाइक शेयर करके ही देना ऐसे तीन बार कहने का उद्देश्य रखा हुआ है। दो बार कह चुके हैं देखो एक बार नेक्स्ट है ब्रॉड एम्स यानी व्यापक उद्देश्य व्यापक उद्देश्य की यदि मैं बात करूं व्यापक उद्देश्य यानी ब्रॉड एम्स कौन से हो सकते हैं भाई जिनकी जो सीमाएं हैं वो अंत नहीं है उनका कुछ वो कह सकते हैं कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को या बड़े परिपेक्ष में एक ब्रॉड व्यू से देखते हैं चीजों को जैसे कि बच्चे आज जो है वो मैथमेटिकली सोच सके मैथमेटिकली सोच सके कहा से कौन सी थियरम आई प्रूव कैसे होती हैं चीजें कहां पे कैसे अप्लाई होंगी कुछ रिसर्च कैसी नई होंगी कैसे आप नई नई डिस्कवरी करेंगे बेसिकली उसके थॉट में मैथमेटिक्स आ सके थिंकिंग प्रक्रिया में मैथमेटिक्स को घुस सके लॉजिकल डिस्कशन वो कर सके चीजों पर तर्कपूर्ण उसकी सोच हो लॉजिकल कॉन्क्लूजन निकाल सके जो बिलीफ हैं जो कुछ मान ली गई चीजें हैं उनका लॉजिकल कॉन्क्लूजन क्या है उनका निष्कर्ष क्या है तर्कपूर्ण ढंग से जब हम देखते हैं सिर्फ मान तो नहीं लिया है हमने कि थर्सडे को कपड़े धोएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एबस्ट्रेक्टनेस मैं नहीं कह रही हूं आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द थिंग है ना अंडरस्टैंड एबस्ट्रेक्टनेस यानी अमूर्तता को समझ सके मूर्त चीज को समझना आसान है कॉन्क्रीट जिसको हम कहते हैं सात से ग्यारह वर्ष में ही समझ आ जाती है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की बट अमूर्त ता जो है जो सामने नहीं दिख रही उस चीज की डिस्कवरी हम कर पाए उस चीज को हम सोच पाए तो एबनेस को हम समझ पाए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए किसी एक समस्या का प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर डेवलप हो ये अपने आप में बड़ी चीज है ठीक है कोई बफरिंग नहीं है यहां से अट्ठारह लोग अभी भी हैं अब एनसीएफ क्या कहता है इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है भाई एक आध क्वेश्चन तो आता ही है अगर मैं बात करूं एनसीएफ क्या कहता है प्राइमरी लेवल पर क्या उद्देश्य होने चाहिए क्या चीजें होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए जो महत्वपूर्ण है ब्रॉड तो बहुत ज्यादा क्या ही पूछेगा भास्कर कह रहे हैं बहुत बढ़िया देखिए तो हम कह सकते हैं न्यूमरेसी बच्चे में बेसिक जो नंबर की समझ है वो आ सके कैलकुलेशन से लेकर के बेसिक कैलकुलेशन डेली लाइफ में जो यूजेज वाली है वो कर सके ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक न्यूमरेसी डेवलप होना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर यू ई कहते हैं इसको यू ई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब सार्वभौमिकरण कर सके हम शिक्षा का सब तक पहुंच सके शिक्षा छह से चौदह वर्ष के बीच के बच्चों का फंडामेंटल राइट right बन सके छियासीवें संविधान संशोधन में ये चीज पास हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था ठीक है तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेसी आ जाए बेसिकली वो मैथमेटिक्स को जितना जरूरत है लाइफ में यूज करना सीख लें यह मैथमेटिक्स कहता है प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी लेवल पे बेसिक कैलकुलेशन बेसिक न्यूमरेसी उनमें आ जाए जैसे इंग्लिश में होता है कि भाई बेसिक प्रोफिशियंसी उनकी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग में डेवलप हो जाए एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब दिस इज इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा है घुमा घुमा के और प्याजे से भी कई बार पूछ लेता है घुमा करके इस लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट टू फिफ्थ के लेवल पे बच्चे की जो प्रोग्रेशन है वो कॉन्क्रीट यानी मूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर जाए मूर्त से अमूर्त की ओर यानी उसको टच एंड फील मटेरियल जिन चीजों को वो देख सके टच कर सके फील कर सके उससे वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे अमूर्त की तरफ तो हम कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं मान लीजिए बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा एडिशन में प्रॉब्लम है तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं दो प्लस दो दिखा सकते हैं अच्छा ये छे पान पेन थे मीना के पास और दो उससे और ले, ले लिए कितने हो गए तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपने बचपन में देखा होगा हम क्या करते थे जो बहुत छोटे से थे तीन चार पांच छे और च, साथ में चार जोड़ने हैं तो ये तीन सात ये बन गए एक दो तीन चार अब सारे गिन लेते थे याद होगा किसी को तो तो ये ग्यारह हो गए टोटल मतलब ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट है मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा सके तो बच्चा पहले कॉन्क्रीट चीजें सीखता है जिनको वो देख सके टच कर सके फील कर सके तो इनके थ्रू पहले कॉन्क्रीट चीजें मूर्त चीजें जिनको वो देख सकता है टच कर सकता है फील कर सकता है उसके बाद हायर लेवल चीजें अमूर्त अमूर्त का मतलब है जो सामने ना हो जो विचारों में हो जिसको फील ना किया जा सके जिसपे सोचा जा सके ठीक है बात अपसेट लग रही हूं अच्छा पता नहीं यार एनर्जी की थोड़ी कमी है आज मुझे भी नहीं यकीन था कि पांच दिन मैराथन चल जाएगी मतलब जैसा बहुत अच्छी तरह चल नहीं रही थी अभी भी हाल वही है नेक्स्ट है एनकरेज नॉन नंबर एरियाज ये इंपॉर्टेंट है नॉन नंबर एरियाज पे हम बेसिकली ज्यादा फोकस करते हैं प्राइमरी लेवल पे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट आज के मेरे मूड को छोड़ दीजिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा अगर मैं बात करूं नॉन नंबर्स की जिसमें नंबर का नहीं जिनमें विजुअल्स का ज्यादा यूज हो जैसे शेप्स हो सकती हैं अलग अलग स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी शेप साइज प्रकार इन सब के बारे में अलग अलग वो पहचान सके पैटर्न्स हो सकते हैं अलग अलग आपने देखा होगा प्राइमरी की बुक उठा करके उसमें ऐसी ही चीजें हैं मेजरमेंट की बेसिक चीजें आ जाएं उसको कौन किससे बड़ा है लंबा है डेटा हैंडलिंग अब ये आपको याद रखना है ये सारे चैप्टर्स हैं प्राइमरी लेवल में ये सारे चैप्टर्स प्राइमरी लेवल में है आपसे पूछ लेता है कौन से चैप्टर प्राइमरी लेवल पे नहीं है तो इनके अलावा वैसे और भी हैं बट ये मेन चैप्टर्स हैं जो प्राइमरी लेवल पे हैं और आपको याद होने चाहिए ठीक है सेवनटीन से आपके साथ हूं अब्दुल अब्दुलवाहब ठीक है अरे आकांक्षा गुस्सा करिए कह रही है चार हजार लोगों ने लाइक नहीं किया आकांक्षा इतने रेड इमोजी मत भेजो मैं डर गई हूं इनका तो पता नहीं देखो एक बार यहां तक की बात क्लियर है बेसिकली नॉन नंबर कॉन्सेप्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग पैटर्न मेजरमेंट डेटा हैंडलिंग इन सबको उसको या सिमेट्री ऐसे कॉन्सेप्ट आ सके उसके दिमाग में ये बेसिकली प्राइमरी लेवल का गोल है कॉन्सेप्ट मैपिंग पे एक क्वेश्चन आता है भाई व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग इसका एक पिक्चर ऐड करना मैं भूल गई हूं बट याद समझ में आ जाएगा आपको संप्रत्यय जो भी कहते होंगे मैपिंग को मानचित्रण संप्रत्यय मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग क्वेश्चन आया हुआ है इसमें 2018 में भी 19 में भी आई थिंक कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है इट इज अ स्केमेटिक सुना ही होगा प्याजी की थियरी में स्केमेटिक ड्रॉइंग मतलब आप अपने दिमाग में अच्छे कॉम्प्रीहेंशन के लिए समझ के लिए एक ड्रॉइंग बनाते हैं कुछ फ्लो चार्ट जैसा या कुछ भी आसानी से जो आप समझ सकें कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करके जैसे आपने क्या किया होगा मैथ्स पैडोगॉजी है मान लीजिए उसमें आपने जुड़ा हुआ होगा जियोमेट्री जियोमेट्री में जो वो पढ़ेंगे वेन हील इधर हम कॉन्सेप्ट मैप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीएफ ने कौन से बताए हैं बेसिकली आप फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करके एक आसान से समझ बना लेते हैं अपने लिए एक स्केमेटिक ड्राॅइंग बना लेते हैं जो आपके दिमाग में याद रह जाए आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके कॉन्सेप्ट्स में आपस में जो संप्रत हैं अलग अलग चैप्टर्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से फाइनल नोट्स नहीं बनाते लोग यूपीएससी वगैरह में आपने भी बनाते ही हो गया तो अपने कॉलेज वगैरह में इट इज अ अरिकल स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है ये क्या है हाइरिकल स्ट्रक्चर है मतलब अनुक्रम है इसमें एक कि भाई यहां से शुरू हुआ ये ये इसका सब टॉपिक है ये इसका सब टॉपिक है फिर इसका कोई सब टॉपिक है मतलब हायरारकी है नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा ठीक है बात हाइरारिकल है ये फिर है इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय द टीचर और द लर्नर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसको टीचर भी बिल्ड कर सकता है और लर्नर भी मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों में से कोई भी बिल्ड कर सकता है कोई भी बना सकता है जिसको अपने समझने के लिए बनाना हो कॉम्प्रीहशन के लिए बनाना हो किसी टॉपिक की क्लैरिटी के लिए बनाना हो याद रखने के लिए बनाना हो इट कनेक्ट्स द न्यू कॉन्सेप्ट विद द प्रीवियस नॉलेज दिस इज इंपॉर्टेंट पूरे एनसीएफ में यही बात है नए कॉन्सेप्ट को नई नॉलेज को पुराने ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़ना प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर सकें बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है तो जो आता है जो उसका पूर्व ज्ञान है उससे नए ज्ञान को जोड़ करके आप कुछ नया सिखाएंगे भाई जो नींव है उसी के बेसिस पे तो बिल्डिंग बनती है नींव कहीं और बिल्डिंग कहीं और बनाएंगे नहीं पहले जो नींव है जो प्रीवियस नॉलेज है जो पूर्व ज्ञान है उसका इस्तेमाल करेंगे नई नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए जो वो जानता होगा उसके लिए है ना एक दो तीन चार उसको आते थे और आगे आपने मल्टीप्लीकेशन एडिशन पता नहीं क्या क्या सिखा दिया इट इज अ अथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट मैप एक ऐसी चीज है जो आसान बनाता है याद रखने या समझने योग्य बनाता है याद से भी ज्यादा प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करके टीचर स्टूडेंट जिसको मन करे वो बना सकता है अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो पेपर में पूछा भी हुआ है ये मैंने पेज खाली छोड़ा था आपको दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट मैप हायरिटी में दिखते हैं उनकी शाखाएं होती हैं ठीक देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है प्रैक्टिस कल से करेंगे हम बस आज आज थियोरी है बताओ एक बार फटाफट से बताओ ओके यार ये माइक मिश्रा जी हमारे पता नहीं कब चेंज कराएंगे इसे लगाते ही सर में दर्द होता है देखो एक बार आंसर करो फटाफट से बी ऑप्शन बी ऑप्शन मतलब कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली ये बात गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स आइदर बाय टीचर और स्टूडेंट बच्चा भी बना सकता है और टीचर भी बना सकता है कॉन्सेप्ट मैप कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ टीचर ही बनाएगा यह बात गलत है बाकी की तीन बातें तो सही होंगी उनको भी तो जान सकते हैं हम इन ऑप्शन से जब प्रीवियस ईयर कर रहे होते हैं तो इनको ध्यान से पढ़ा कीजिए बाकी के ऑप्शन को कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स बिटवीन

नॉट लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे ये आपका फेवरेट है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी ज्यामितीय विचार पे एक थियोरी है जो कि इंपॉर्टेंट है वैन हीले की वैन हील भी कह देते हैं इनको हम वैन हील की थियोरी है ज्योमेट्रिकल थॉट या ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की ज्यामितीय विचार की ठीक है क्या नाम है इनका वैन हील इनके हमारे लिए बेसिकली चार लेवल हैं वैसे आप जीरो से काउंट करेंगे तो फाइव लगेंगे बट हम जीरो लेवल से काउंट करते हैं आसानी रहती है और कॉन्सेप्चुअल भी है आपको सिर्फ तीन याद रखने हैं मतलब चार याद रख लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पेपर टू के लिए भी हो जाएगा नहीं तो प्राइमरी के लिए यहां तक ही रहेगा तो भी चलेगा ठीक समझ लेते हैं आसान सी चीज है समझ लेते हैं फटाफट से अगर मैं बात करूं यहां दिस इज समथिंग देखो एक बार दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा मेरे ख्याल में समझते जाओ पहला जीरो लेवल है विजुअलाइजेशन पहला ही लेवल मान लो आप इसको जीरो है नंबर क्या है जीरो विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन क्या होता है आपने सोचा विजुअलाइज किया कि आप उत्तराखंड में हैं है ना पहाड़ हैं नदी बह रही है सामने आप वो डाल के बैठे हुए पहाड़ों में जो वो मूढ़े मिलते हैं है ना हवा चल रही है ऐसे पानी को टच किया आपने बहुत बर्फ से जैसा पानी है विजुअलाइज कर रहे हैं आप आंखों से देख रहे हैं ना, तो विजुअलाइजेशन जो है आंखों से नहीं तो मतलब प्रॉपर आप अभी कल्पना कर रहे हैं और हो सकता है सामने आपके बिल्कुल वो चीज प्रेजेंट हो विजुअलाइजेशन का सिंपल मतलब है आप शेप्स शेप्स को देखने के बेसिस पे पहचान लेते हैं भाई ये भी है ये भी है एक इस तरीके की कुछ कुछ शेप्स होती हैं आप ये देख सकते हैं देख सकते हैं तो शेप्स को आप पहचान पा रहे हैं और उनकी क्लासेस को पहचान पा रहे हैं कि अच्छा अलग अलग भी होती है एक तो शेप्स हैं देख करके पहचान पा रहे हो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और इनकी क्लासेस अलग अलग हैं ये, है, ये अलग है ये अलग है ये अलग है कैसे अलग है आपको नहीं पता बट है अलग ये शेप्स होती हैं आप ये देख रहे हो बच्चा देख रहा है ये शेप है ठीक है इस बात को समझने में यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं होगी जय हिंद अंकित सिंह जैकमैन ठीक भाई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना शेप्स को आपने अलग अलग शेप देख ली देखा आपने अच्छा अलग अलग शेप्स हैं आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता कि इसमें आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल कहलाएगा आयत कहेंगे या वर्ग है तो चारों जो साइड हैं वो इक्वल होंगी कुछ नहीं पता आपको आपको सिंपल पता है ये अलग दिख रही है ये अलग दिख रही है आपने क्लासेस पहचान ली देख करके इनको अलग अलग क्लास में आपने देख लिया शेप्स को अलग अलग क्लास में रख दिया क्योंकि आपकी नजर जा रही है और आपको पता लग रहा है एक दूसरे से अलग है ठीक है तो ये हुआ विजुअलाइजेशन जैसे ही आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिसिस अब यहां क्लासेस ऑफ शेप्स तो आपको पता ही थी कि इनमें अंतर होता है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ये भी आप जान पाएंगे तो एनालिसिस के लेवल पे आप प्रॉपर्टीज से भी जान पाते प्रॉपर्टीज को भी जान पाते हैं कैसे अब आपको पता है भाई ये क्या है वर्ग है या फिर स्क्वायर है तो फोर साइड्स इक्वल होंगी ये इसकी प्रॉपर्टी है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि फोर साइड्स आर इक्वल अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसकी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना ये क्या है प्रॉपर्टी हुई इसकी तो अब आप प्रॉपर्टीज भी जान पा रहे हैं कि अलग तो है लेकिन कैसे अलग है सर्कल है तो आप प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज को भी देख पा रहे हैं एनालाइज कर पा रहे हैं अलग विभेद कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक बार स्क्रीन बिल्कुल है, क्लियर है एक बार रिफ्रेश करके देखो ठीक है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप देख करके अलग अलग समझ पा रहे थे कि ये अलग अलग शेप है आपकी नजर गई आपने देख लिया लेकिन अब आपको प्रॉपर्टीज भी पता है एनालाइज कर पाते हैं आप एनालिसिस कर पाते हैं ये इससे कैसे अलग है तो कैसे अलग है आपको पता है इसकी चारों साइड इक्वल है न? इसकी सिर्फ दो होती ऑपोजिट वाली तो अब आप प्रॉपर्टीज को देख के एनालाइज कर पा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बता दो नहीं आई हो तो बता दो फटाफट से बताओ जल्दी आंसर करो आगे आज तभी बढ़ेंगे जब ये समझ में आ जाएगा बताओ फटाफट यार यहां से मुझे इतना क्लियर दिख रहा है और मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन में चलाया हुआ है दो दो तीन तीन स्क्रीन में चल रहा है सब में क्लियर है आपके पास क्लियर नहीं है, है? कमाल करते हो क्वालिटी इनक्रीज कर लो ना अटेंडेटी कर लो ये बात क्लियर है यहां सिर्फ आप देख पा रहे थे अंतर कर पा रहे थे लेकिन यहां आपको प्रॉपर्टीज पता है उनके बेसिस पे अंतर कर पा रहे हैं एनालिसिस के लेवल पे ये जीरो था ये फर्स्ट लेवल है सेकंड है इनफॉर्मल डिडक्शन इसमें क्या है प्रॉपर्टीज तो यू ऑलरेडी नो एनालिसिस में ही पता लग गई थी अब आपको एक चीज और एड हो जाएगी आप रिलेशन भी जान पाओगे उन प्रॉपर्टीज के अंदर कि ये बनती कैसे है इनका फॉर्म क्या है आपस में रिलेशन क्या है इन प्रॉपर्टीज का टू साइड्स हैं तो क्यों अलग हैं क्यों सेम है बना कैसे फॉर्मूला कहां से आया ये सारी चीजें डिडक्शन में क्या है ये जरूरत नहीं है वैसे आप यहीं तक कीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप प्रूव कर सकते हैं थियरम्स से लेकर के और चीजें बट इतनी तीन चीजें आपको याद रहेंगी आपका नंबर आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ये ऊपर के जो है वो प्राइमरी लेवल से ऊपर चले जाते हैं ये शुरुआत के तीन इंपॉर्टेंट हैं ठीक क्लियर है आगे बढ़े ये इसकी डेस्क्रिप्शन है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और आपको समझने में मदद करेगी क्या हो क्या रहा है ये अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है भाई देखो यहां पे ये जीरो लेवल से पढ़ना है इसको जीरो वन टू थ्री इस चार्ट में नंबरिंग अलग है बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अप टू द मार्क है खुद पढ़ लीजिएगा इसको अभी समझा ही दिया मैंने फिर से अगर समझना हो तो विजुअल की अगर हम बात करें तो बच्चा अपियरेंस के बेसिस पे जैसे ही उसको दिखती है कोई शेप वो बता देता है कि ये है ये है ये है गोल है उसके लिए ये भी गोल है उसके लिए ये भी गोल, है, ये भी गोल ही है ओवल भी उसको समझ में ज्यादा नहीं आता ठीक एनालिसिस में प्रॉपर शेप्स की प्रॉपर्टीज पता होंगी एब्स्ट्रैक्शन जिसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन कह रहे हैं उसका दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्शन है उसको रिलेशनशिप पता है किस प्रॉपर्टी का कैसे अंतर क्या है फिर है डिडक्शन इसमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी सात वर्ष के बाद वाली स्टेज है और फिर राइगर है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पेपर वन को टारगेट कर रहे हैं हम बाय द वे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वैन लेवल ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग यानी किस लेवल पे जयामेटिकल जयामितिया सोच के या चिंतन के बच्चे असेस कर पाएंगे आकलन कर पाएंगे प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आकृतियों के संग्रहों के गुणों के बारे में जान पाएंगे बताइए आंसर कीजिए आंसर एनालिसिस एग्जैक्टली exactly. भाई एनालाइज कर पाएंगे प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो उसकी प्रॉपर्टी है जो विशेषताएं हैं हर एक शेप की उसके बेसिस पे ठीक है बात विजुलाइजेशन में तो जस्ट वो उनको जैसे ही दिखता है सामने अपियरेंस के बेसिस पे एक जैसा या अलग अलग बता देंगे बस ठीक तो इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ जाएंगे एक और क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन आपसे यह पूछ लेता है कि वैन वैन हीले ने ने या हील किसके बारे में बेसिकली अपनी थियोरी दी है तो आप क्या कहेंगे बताओ वन वर्ड में वन वर्ड में बताओ वैन हील गेव हिज थियोरी अबाउट जल्दी बताओ जल्दी मजाक की बात है नहीं आज पांचवा दिन है आपकी मैराथन का वैन हील

कौन सी प्रैक्टिस आपको पसंद आएगी पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू तो रिकॉग्निशन ऑफ बेसिक सिंपल शेप्स सिर्फ बेसिक सिंपल सिंपल शेप्स को साधारण शेप्स को पहचान ले बच्चा या फिर द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स यानी शुरुआत जो करनी चाहिए वो डेफिनेशन से करनी चाहिए जी नहीं कभी नहीं कदापि नहीं चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल ऑपर्चुनिटीज टू डिवेलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आपको याद आ रही होगी एक प्यारी सी बात कि बच्चा एक्टिव है तो ज्यादा संभावना है उत्तर होगा डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकेब्लरी यार वोकैब्लरी एक्सटेंसिव मतलब पता नहीं कौन से प्रयोग कर करके वो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी उनको पता लग जाएंगे वो कौन सी नॉवल्स पढ़ रहे हैं या कौन सी थियरीज पढ़ रहे हैं गूगल से तो एक्सटेंसिव वोकैब्लरी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे बेसिक उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए लिमिटेड रिकोगशन लिमिटेड नहीं रखना कि सिर्फ बेसिक शेप्स तक इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है कि आप बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज दें भरपूर मौके दें क्या करने के कि उनकी जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है स्पेस को लेके चीजों को लेके शेप को लेके साइज को लेके आकार को लेकर वो उनको देखें अगर वो पेड़ देख रहे हैं तो उसकी भी शेप देख पा रहे हैं है ना तो उनकी इंट्यूटिव जो सहज आंतरिक अंदर से आ रही है उसको बढ़ावा दें कि उन्होंने कैसे कितना ऑब्जर्व किया दुनिया को आगे बढ़ते हैं सिमेट्री एक कॉन्सेप्ट है जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है व्हाट इज सिमेट्री सिमेट्री बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहें तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स बिल्कुल सेम होगा जैसे कि आप डिवाइड करेंगे फेसिंग ईच अदर एक दूसरे को फेस कर रहे हो एक जैसे पार्ट्स या तो सामने आमने सामने या फिर अराउंड एन एक्सेस एक्स होता है ना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक्स और वाई ठीक अराउंड द एक्सेस चाहे तो हम ऐसे कट करें चाहे तो ऐसे कट करें सिमिलर आना चाहिए जो पोजिशन है या जो शेप है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है इसको अगर बीच से कट किया जाए तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके लग जाएंगे बिल्कुल एक जैसे या नहीं बिल्कुल लग जाएंगे आईसोसेलिस ट्राइंगल है ठीक है ये इसका एग्जाम्पल हुआ और अगर मैं बात करूं आसपास कोई चीज नहीं दिख रही ग्लास तो सिमेट्रिकल होगा नहीं यही हो सकता है डब्बा अगर इसको कट कर दिया जाए इसको कट कर दें अगर हम ये फोन का डब्बा है ज्यादा दिल पे मत ले जाना कट कर दें अगर बीच से यहां से कट कर दें तो फ्लैप हो जाएगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें है कि नहीं ठीक है ये पेन नहीं है अगर इसको बीच से कट किया जाए तो तो सिमेट्रिकल बनेगा अराउंड द एक्स अगर इसको बीच से कट किया जाए तो बिल्कुल दोनों साइड सेम आएंगी लेकिन अगर ऐसे कट कर दिया जाए तो यहां से अलग है यहां से अलग है शेप समझ तो पा रहे हो बात को अभी ये बहुत सारे लेटर्स में भी होती है वो आपको पहचाननी होती है कि ए में सिमेट्री है कि नहीं बी में सिमेट्री है कि नहीं है ना मतलब अगर आप फोल्ड करें या कट करें अराउंड द एक्सिस तो सेम आए दोनों तरफ से शेप आपकी जैसे ये है लाइंस ऑफ सिमेट्री है आपकी ये आप देख पा रहे हो स्क्वायर में भाई स्क्वायर को तो आप कैसे भी काट पीट दो वो तो चारों तरफ से सेम ही है तो बिल्कुल सेम ही आएंगी तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में टू रॉम्बस में टू ये आप पढ़ लीजिएगा कोई बहुत ज्यादा रट्टे लगाने की जरूरत नहीं बेसिक आपको समझ होनी चाहिए पूछने को कभी ना पूछे और पूछने को कभी भी पूछ ले जैसे ये कौन से कौन से लेटर सिमेट्रिकल हैं देखिएगा बैठ के फिर एक और टॉपिक है टेसिलेशन टेसिलेशन को चौकोर कह लीजिए या जो आप कहना चाहें चटाई वटाई जैसे कहना चाहें टेसिलेशन एक ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो, होती हुई शेप से एक रिपीट होती हुई शेप से एक पैटर्न बनता है दैट इज टेसिलेशन मतलब टेसिलेशन इज क्रिएटेड शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेन विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स बिना किसी गैप के और बिना एक दूसरे के ऊपर रखे ओवरलैप कर सकते थे सिमेट्री में यहां नहीं तो ये बार बार शेप रिपीट हो रही है एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रही है, है ना कोई गैप नहीं है बिल्कुल लगी हुई है एक दूसरे से और एक पैटर्न बन रहा है इसी को हम टेसिलेशन कहते हैं दिस इज कॉल्ड टेसिलेशन ठीक है ेशन के और भी उदाहरण हो सकते हैं ये हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं ये याद रखिएगा एक क्वेश्चन जरूर आता है चार ऑप्शन देगा पूछेगा कौन सी एक चीज प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती तो आप कहेंगे सिमेट्री भी पढ़ाई जाती है टेसिलेशन भी पढ़ाई जाती है डेटा हैंडलिंग भी पढ़ाई जाती है मेजरमेंट भी अभी मैंने आपको बताया था है ना जियोमेट्री भी पढ़ाई जा रही है रेशो प्रपोर्शन ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती है तो ये कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है चीजों को कनेक्ट करना है टेसिलेशन ये अलग अलग तरह के पैटर्न हो सकते हैं जो एक साथ जुड़े हों और एक आकृति बना रहे हों इसको टाइलिंग भी कहते हैं टेसिलेशन का दूसरा नाम टाइलिंग भी होता है टाइलिंग भी कह देते हैं है ना? टाइल्स में भी क्या होता है आप फर्श पे जब टाइल बिछवा रहे हैं टेसिलेशन ही हो रहा है ना एक तरीके से पैटर्न ही है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है, गैप पे है गैप तो अपने आप बन जाता है क्वेश्चन देखो एक बार क्वेश्चन देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव मतलब एनसीएफ दो हजार पांच के अनुसार प्राइमरी लेवल पे कौन सा एक टॉपिक नहीं है नॉट पूछा है नॉट पूछा है इसमें यस भी पूछ सकता था वो आपके ऊपर था समझने के ऊपर अगर मैं नॉट की बात करूं लाइक शेयर like भी करते रहना है बहुत बढ़िया तो हम कहेंगे रेशो ये रेशो प्रपोर्शन ये सब प्राइमरी लेवल पे नहीं है पैटर्न है ऑब्वियसली नॉन नंबर वाली चीजें हैं ये जो पैटर्न या शेप देख के सिमेट्री भी है टैसिलेशन भी है अभी हमने पढ़े हैं तीनों ठीक रेशो नहीं है प्रपोर्शन नहीं है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग पे एक क्वेश्चन आता है इंडक्टिव मतलब आगमन विधि इंडक्टिव मतलब आगमन विधि डिडक्टिव मतलब निगमन विधि निगमन विधि ठीक है ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताइए सरकार हम्म hmm? आगमन व निगमन, तर्क देखो आगमन का सिंपल सा मतलब है यहां आप ऑब्जर्वेशन से रूल की तरफ जाते हो Deductive में उल्टा है वहां पहले से कॉन्क्लूजन है आगमन की बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग आगमन तर्क की इंडक्टिव मेथड में भी ऐसे ही होता है क्या है इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन पे निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे कुछ Observations को कुछ अवलोकनों के बाद आपने आपने देखा देखा तीन आपके सामने थे और आपको तीनों में पहचाननी थी भाई इनका जो ये बेस है, 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 है इनमें ये रिलेशन है आपने फाइंड आउट कर लिया पहले आपके सामने फॉर्मूला नहीं बताया किसी ने पाइथागोरस का थ्योरम नहीं बताई बट आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए दिए क्वेश्चन आया हुआ पेपर में मजाक नहीं कर रहे हो ना तो

फिर उनको बताया ये सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं मतलब पहले आपने एग्जाम्पल दिया जैसे यहां पे एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है ट्राइंगल का और इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चे को मतलब ऑब्जर्वेशन से एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा बच्चा किसमें इंडक्टिव मेथड में डिडक्टिव में।, में उल्टा है निगमनात्मक में उल्टा है निगमनात्मक में, में पहले निष्कर्ष पहले कॉन्क्लूजन पहले रूल होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये क्या है पहले रूल बता दिया देन आप example पे गए दैट मीन डिडक्टिव रीजनिंग है ठीक है बात क्लियर हो गई बात मोबाइल नहीं था यार ये फोन फोन था वो वाला, cordless, वो वाला वाला पता नहीं कॉर्डलेस घर ऑफिस वाला फोन वाला, phone नहीं था इंडक्टिव मैथड टेलीफोन था ये प्रॉपर मोबाइल <laughs> नहीं था देखो एक बार इंडक्टिव मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जरूरी है ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कई बार पूछ सकता है डेफिनेशन के रूप में समय हुआ है दस बज के पच्चीस मिनट और हम लोग काफी संख्या में जुड़े भी हुए हैं इंडक्टिव यानी आगमन विधि क्या है आगमन विधि मैथ्स को अच्छे से कर लीजिएगा आज का सेशन महत्वपूर्ण रहेगा हो सकता है आगे के सौ क्वेश्चन की जगह मैं पचास ही करा दूं फिर क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ठीक है कब से हम आपसे कह रहे हैं क्या कह रहे हो भाई इन दिस मेथड फर्स्ट एग्जांपल्स आर पहले फर्स्ट एग्जांपल्स पहले उदाहरण है पर्टिकुलर टू जनरल पर्टिकुलर विशिष्ट होता है और रूल हमेशा जनरल होता है सबके लिए एक जैसा सामान्य होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो सामने हैं उससे अमूर्त की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा भी रहता है कई बार और हमको मिक्स भी करके हम पढ़ा सकते हैं नोन टू अन जो वो जानता है और जो वो नहीं जानता दोनों के बीच में एक आ, इमारत बिल्ड करते हैं मतलब प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ हम नई नॉलेज को दिस इज ज़्यादा बेहतर दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज बेटर ये कह सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स क्या होंगे इंडक्टिव मेथड के अगर आप कोई चीज पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को स्टेप्स तो क्या होंगे पहले आप एग्जांपल्स बताते हैं पहले आप एग्जांपल्स बताते हैं जैसे मैंने अभी शेप्स की बात की आपने एग्जांपल्स प्रस्तुत किए आपने उनके सामने रेक्टेंगल रखे कुछ और कहा देखो इनमें क्या विशेषता है इनमें कॉमन क्या है फिर वो बताएंगे उनको जो कॉमन लगेगा फिर बाद में आप रूल तक ले जाओगे कि देखो ऑपोजिट साइड इक्वल है इसलिए इसका एरिया ये होता है रूल बाद में बताओगे आप तो कंक्लूजन आप ऑब्जर्व करके एग्जाम्पल्स को तब बताते हो मॉम का फोन आ रहा है खाने के लिए रुको एक मिनट बिल्ड कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो आप एग्जाम्पल्स से अटेस्टेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स भाई आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया जो एग्जाम्पल से रूल पे गए उसको अटेस्ट भी तो करोगे फाइनलाइज भी तो करोगे सही है कि नहीं है तो बाद में आप प्रूव करके भी देख सकते हो आगे बढ़ेंगे डिडक्टिव मैथड की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है मैथ्स की अगर मैं बात करूं पैडोगोजी की ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्या है इसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें रहेंगी नहीं फिर प्रैक्टिस भी करेंगे और डिडक्टिव मेथड है इसके स्टेप्स हैं हाँ फिर प्रैक्टिस है कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है बस खत्म हो जाएगा देखो एक बार डिडक्टिव मैथड देखो एक बार निगमन विधि देखो डिडक्टिव में हमेशा 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 हम रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे किससे जाएंगे रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे नहीं मासी के पास नहीं रहती मैं, मासी हमारे पास रहती है आजकल जाएंगे वैसे वो <laughs> रुको एक मिनट देखो एक बार देखो एक बार नेक्स्ट चीज देखो इन दिस मेथड फर्स्ट रूल्स आर गिवन एंड देन दे, 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 दे आर अटेस्टेड पहले रूल्स दे देंगे यहां पे पहले रूल्स दे देंगे दे दे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स बताएंगे फिर अटेस्ट करेंगे एग्जांपल के थ्रू कि सारे फॉर्मुले लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा ठीक है तो ये कह सकते हैं हम फिर इसके बाद वाली जो बात है आप जैसे शिक्षक हमारे भारत में हैं हमें आप पर गर्व है आप सरकारी प्राइमरी शिक्षण को सुदृढ़ बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं धन्यवाद जी बाकी पेडोगॉजी तो जहां पे भी आप पीजीटी में पढ़ रहे हो टीजीटी में पढ़ रहे हो आई एम देयर देखिए एक बार इट फॉलोज द मैक्सिम्स ये थॉट को फॉलो करता है जो जनरल टू पर्टिकुलर जाता है ये बात हम समझ चुके हैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाने की प्रथा है जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है ठीक है आगे बढ़ेंगे अब इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं जस्ट उल्टे होंगे इंडक्टिव के यहाँ पे पहले आप कॉन्सेप्ट बता देंगे बच्चे को फिर उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताएंगे फिर ट्रूथ जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है रूल बताया है उसको टेस्ट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन जहां ये फॉर्मूला काम ना करता हो अटेस्टेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ कॉन्सेप्ट बाय सेटिंग दी अदर एग्जाम्पल्स ठीक है क्लियर हो गई बात घर वालों से बात होनी रही है इनका अलग ही चल रहा है बच्ची तो हूं मैं दो दिन की देखो एक बार बहुत मजे आते हैं फालतू बातें करने में फटाफट से देखिए हाँ रीट की बात तो तब करेंगे पहले की तो कर लें यार देखो क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन आया था इंडक्टिव डिडक्टिव पे ही बेस्ड है सी में 2018 के अंदर और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन है टू टीच द पाइथोग आर टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड आ शीट ऑन विच फोर राइट एंगल ट्राइंगल्स एक शीट डिस्ट्रीब्यूट की है टीचर ने जिसमें चार राइट एंगल ट्राइंगल हैं अभी मैंने आपको दिखाए भी थे चार राइट right एंगल ट्राइंगल हैं मेर तो ड्राइंग खैर माशाल्लाह है बट फिर भी ठीक है ये चार राइट एंगल ट्राइंगल है और किसी ने मतलब टीचर ने कहा है कि इनको ऑब्जर्व करो इनमें सिमिलैरिटी क्या है रिलेशनशिप ढूंढो इस सिचुएशन में टीचर ने किस मेथड का इस्तेमाल किया है आप आंख बंद करके कहेंगे इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि यदि 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 यहाँ इंडक्ट ये एग्जाम्पल या ये ट्राइंगल्स देने की जगह टीचर ने सीधा रूल बताया होता थ्योरम का जो हम यूपी बोर्ड में पढ़ते थे लाल बटे कक्का और यहाँ सीबीएसई में पढ़ते हैं क्या पंडित हर प्र, बद्री प्रसाद हर, हर बोले करके बेसिकली वो हाइपोट्रेन्यूज और बेस वाला तो बाद में रूल बताया अगर पहले रूल बता दिया होता हाइपोटन्यूज का सॉरी इसका पाइथोवर थियरम का तो सिंपल डिडक्टिव मेथड हो जाता लेकिन यहां रूल नहीं बताया इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा है कॉन्क्लूजन पे पहुंचे नहीं है फैक्ट्स पहले से मौजूद नहीं है फैक्ट तक पहुंचना है यदि फैक्ट पहले दे दे कॉन्क्लूजन पहले दे दे तो डिडक्टिव हो जाएगा तो इंडक्टिव है अगर जस्ट इसकी उल्टी होती ना पोजिशन तो डिडक्टिव हो जाता आगे बढ़ेंगे लेक्चर और लेबोरेटरी मेथड जैसा इसमें कुछ था ही नहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो इसको देखिए मैं एक बार पढ़ती हूँ किसी ने कुछ लिखा है बड़े ही प्यार मोहब्बत से देख लेती हूँ एक तो कमेंट देखने के लिए आजकल आगे आना पड़ता है श्वेता कह रही है मैम मैं आगरा से हूँ एंड यहाँ बहुत कोचिंग है बट मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया एंड मैं आपका लेक्चर इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ एंड आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच श्वेता मिलेंगे भाई हमारे लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है मौजूद नहीं था मैम उधर सर ने डांट लगा दिया आज क्या कह रहे थे संजू हैं क्या कह रहे थे उदय सर परेशान करते हो आप लोग उनको है? है? उनका बोर्ड वो बोर्ड पे खड़े हों डांस करें लेट जाए क्या हो गया कोई बात नहीं ऐसे बुरा नहीं मानते टीचर्स की डांट का बुरा नहीं मानते देखो एक बार वैसे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में देखो अगर मैं बात करूं मीनिंग की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की टीचिंग डेराइव फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट कह सकते हैं हम प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू द अनदर ठीक है क्या फर्क पड़ता है हम कह सकते हैं यहां पे दो चीजें हैं जो याद रखनी है नैरो मीनिंग है टीचिंग का संकुचित जिसको जॉन एडम ने दिया था उन्होंने कहा बायपोलर प्रोसेस है टू पोल्स हैं टीचिंग में एक है टीचर ये वैसे भी याद रखना चाहिए आपको पेडागोजी में एक है टीचर और एक है स्टूडेंट एक तरफ टीचर है एक तरफ स्टूडेंट है जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं है ना फिर है ट्राइपोलर प्रोसेस जो ब्रॉड मीनिंग है जिसको जॉन डुई जिसके बारे में बात करते हैं वो कहते हैं नहीं सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं है समाज सोसाइटी करिकुलम एनवायरमेंट और भी तो चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं इन दोनों को ऐसा थोड़ी है अगर टीचर के जैसे कहते नहीं थे हम लोग कि भाई आज तो मैडम लड़के आए हैं अपने घर में है ना जैसे कोई अभी मजे ले रहा था कि फलाने का कॉल था मम्मी से डांट खाई है मैंने कहा है तू और ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसका कॉल था है? तो 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 अगर हम बात करें तो ऐसे होता है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं है एनवायरमेंट भी है करिकुलम भी है सिलेबस भी है और बाहर की दुनिया भी है जो आपको प्रभावित करती है जो आपको प्रभावित करती है तो ऐसा हो सकता है टीचर की आज लड़ाई हुई हो हेलो अनु अनु पाठक हो सकता है घर में कुछ हुआ हो और वो माहौल क्लास में प्रभावित हो गया हो तो बेसिकली हम कुल मिला तो खैर एक मजाक की बात हुई टीचर है एक तरफ दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और तीसरी तरफ करिकुलम और सोसाइटी या एनवायरमेंट है या सिलेबस भी आप इसको कह सकते हो तो ये ट्राएपोलर है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज का आखिरी सवाल वो है टॉपिक और हो सकता है इसके बाद मैथ्स पैडोलॉजी की जरूरत ना पड़े वीडियो की क्योंकि दस नंबर आपके आ जाएंगे यहीं से फिर भी अगर हुई तो मैं कुछ क्वेश्चन तो जरूर रिवाइज कराऊंगी खैर देखो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स यानी शिक्षण अधिगम सामग्री कह सकते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं आप चार्ट लेकर के जाते होगे अपने बीएड में या कुछ कुछ चीजें लेके जाते होगे है ना हम तो खतरनाक थे एक दिन मैम आई और वो ओपेक वाला वो होता है ना क्या होता था तो मुझे याद भी नहीं साइंस में एक टॉपिक होता है छोटा सा कि एक चीज ओपेक होती है ट्रांसपेरेंट और बीच वाली एक स्थिति होती है तो वो स्पाइरल के पीछे एक साइड ओपेक होता है एक साइड ट्रांसपेरेंट होता है हमने सही जुगाड़ किया हुआ था सबसे कम मेहनत में अच्छा जुगाड़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता था टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए खैर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब भी वैसे यही है कि आप सुगम बना सकें इंडिजीनियस हो जो देश में आसानी से बन सकें और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं ये यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं प्रभावी बनाते हैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि बच्चों को लंबे समय तक याद रह सके अगर मैं यहां आपको कोई पिक्चर दिखा दूं और सिर्फ बोल दूं तो जो आपने देखा होगा वो ज्यादा याद रहेगा यानी ज्यादा ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो हाँ, वो पारभासी परभासी वही सब देखो ज्यादा ना मजे मतलब इधर आ जाओ हाँ ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट और ओपेक याद आ गया बहुत बढ़िया ग्रेट एक्चुअली होता क्या है फ्लो में होता है ना इंसान तो आधी चीजें वैसे याद नहीं आती कई लोग तो दिल पे ले जाते हैं रिजोल्व विकास शर्मा चलिए फटाफट से देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग बनाता है रुचिकर बनाता है आपकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है लॉन्ग लास्टिंग बनाता है बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है है ना चीजें याद रहती हैं ठीक हो गई बात आगे बढ़ जाए आप मजा आ रहा है बहुत ही बढ़िया हाँ प्रिया बिल्कुल लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ने थोड़े आते हैं वो लोग पढ़ने वाला थोड़ी कर सकता है उसको क्या मतलब अमरजीत सब जगह पे नेट की स्पीड अच्छी नहीं होती अच्छा बरेली में अभी तो रुक जाओ पता नहीं कब होगा चलो आ जाओ फटाफट से टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो है सुगम बनाते हैं आपके टीचिंग लर्निंग के अनुभव को ये हम कह सकते हैं हेल्पफुल होते हैं बेहतर टीचिंग लर्निंग करने में इफेक्टिव बनाने में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एक नंबर दो नंबर पे भी यहां से भी क्वेश्चन आता है जियो बोर्ड आपने सुना होगा व्हाट इज जियो बोर्ड देखिए फटाफट से जियो बोर्ड क्या है देखिए जल्दी आंसर करो जियो बोर्ड की यदि हम बात करें तो जियो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें नेल्स होते हैं नेल्स एम्बेडेड मतलब कीले होती हैं तो आपने देखा होगा शायद कहीं ना देखा हो तो यहां देख लीजिए इंटरनेट पे देख लीजिएगा यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा है ना ये यूट्यूब की शुरुआत थी एक तरीके से हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल ढूंढा करते थे बाहर की कंट्रीज के वीडियोज आते थे इंडिया का कुछ था ही नहीं टीचिंग को लेकर बहुत ज्यादा उस टाइम पे तो इट इज अ स्क्वायर बोर्ड एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसमें नेल्स गढ़े होते हैं कीले गढ़ी होती हैं जिनमें रबर का इस्तेमाल करके या फिर रबर बैंड आप देख रहे हो ये ट्रैंग ट्राइंगल और आपका ये स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब बनाए हुए हैं इन कीलों से हम शेप दे रहे हैं ठीक है शेप्स बनाई हुई हैं इनका यूज करके इनिशियल ज्योमेट्रिकल फिगर सीख सकते हो मेजरमेंट सीख सकते हो यहां से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीख सकते हो दो तीन चीजें याद रखना ज्योमेट्रिकल फिगर्स भाई शेप्स देख ही रहे हो आप ये सीख सकता है बच्चा इससे मेजरमेंट इसलिए सीख सकता है क्योंकि उसको पता चल जाएगा कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है यहां से यहां तक में ठीक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को भी वो समझ पाएगा मेजर वगैरह करने में हेल्प मिलेगी तो ये दो तीन चीजें हैं जो जियो बोर्ड से की जा सकती हैं इसमें नेल्स होते हैं यानी कीले होती हैं शेप्स को मेजरमेंट को एरिया को ये सब आपको दिखाने में या समझाने में मदद होगी जियो बोर्ड के द्वारा दूसरी चीज है अबेकस 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 वेदिक मैथमेटिक्स की एक टेक्निक है हम ये कह सकते हैं ये आपके सामने प्रस्तुत भी है अबेकस देखा भी होगा कुछ स्कूल्स या कुछ इंस्टीट्यूट इसको फॉलो भी करते हैं कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज है है ना कैलकुलेशन फास्ट बहुत तेजी से कर पाता है बच्चा तो ये एक एंशियंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है एक प्राचीन गणितीय इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए इट इज अ फ्रेम जनरली ऑफ वुड और प्लास्टिक यानी किस चीज का फ्रेम है वुड का भी हो सकता है प्लास्टिक का भी हो सकता है इसमें स्लाइडिंग बीट्स होते हैं ये जो बीट्स आप देख रहे हैं इनको आगे पीछे किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन अब ये इंपॉर्टेंट है कई बार पूछ लेगा इसके लिए किसके थ्रू समझाओगे तो अबेकस के थ्रू एडिशन यानी जोड़ना सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है ना मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना और डिवीजन ये सारी चीजें मतलब बेसिकली कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत बड़ा रोल है फ्रैक्शन स्क्वायर रूट प्लेस वैल्यू ये सब आसानी से समझाए जा सकते हैं बैकस के थ्रू ये जैसे मन करे वैसे कर लेना ये लास्ट वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है इसको दो चार बार तो देखना ताकि याद रहे ये चीज इंपॉर्टेंट है समझ पा रहे हो कि नहीं क्लियर है बात आगे बढ़ेंगे डाइंस ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आए हुए हैं क्वेश्चन डाइंस ब्लॉक एक क्या है टीचिंग लर्निंग गिनतारा कहते हैं ना अबेकस को बिल्कुल ग्रेट देखो डाइंस ब्लॉक दूसरी चीज है ये भी क्या है एक टूल है एक टीचिंग लर्निंग material है जिसके थ्रू मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को समझाया जाएगा दीज आर मैन्युपुलेटिव टूल्स इनको आप मैन्यपुलेट कर सकते हो है ना यूज कर सकते हो बेसिक एडिशन भी इससे सीखा जा सकता है वो अबेकस से भी सीख रहे थे हम सब्ट्रैक्शन भी काउंटिंग काउंटिंग देख पा रहे हो ना वन टू थ्री फोर कर सकते हो प्लेस वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू

जिसको हंड्रेड्स कह सकते हैं हम यानी सैकड़ा ये आप इस फ्लैट के थ्रू ये याद रखना कि हंड्रेड्स कैसे सिखाया जाएगा फ्लैट के थ्रू कैसे सिखाया जाएगा रॉड के के थ्रू 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 यूनिट्स तो एक के या एक यूनिट या सिंगल उसके क्यूब जो thousands है या हजार है वो क्यूब के थ्रू सिखाया जाएगा ये चार चीजें इसमें चार टाइप के होते हैं ये यूनिट्स रॉड्स फ्लैट्स क्यूब्स तो यूनिट्स का यूज इकाई के लिए रॉड्स का यूज दहाई के लिए फ्लैट्स का यूज सैकड़ा यानी हंड्रेड्स के लिए और क्यूब्स का यूज हजार या फिर थाउजेंड्स के लिए ठीक है इतनी बात इन चीजों को याद रखिएगा प्लीज द यूनिट क्यूब्स रिप्रेजेंट यूनिट्स रॉड्स टेंस फ्लैट हंड्रेड ये तो मैंने आपको बताई दिया वही बात रिपीट हो रही है चाहे तो आप रिविजन के लिए देख लीजिएगा इसीलिए लिखे गए हैं धन्यवाद एक मिनट कमेंट पढ़ लो यार अच्छा लगता है कॉमेंट पढ़ के से जब बोलते हैं कि स्वयं सरस्वती माता की कृपा है भाई आप पर। अच्छा बहुत बढ़िया देखिए नेक्स्ट देखिए थ्री डायमेंशनल टीचिंग एड्स होते हैं कुछ टू डी होते हैं कुछ थ्री डी होते हैं जिनकी तीन डायमेंशन होती हैं थ्री डी एड्स ठीक दीज एड्स दीज एड्स प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स भाई कोई इमारत है कोई बिल्डिंग है थ्री डी है तो उस मॉडल के थ्रू किसी भी एक थ्री मॉडल के थ्रू बिल्कुल रियल अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं These are real objects, specimens, models, और पपेट्स। मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई भी एक बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर लाके दिखा दिया जाए रियल ऑब्जेक्ट हो गया स्पेसीमैन किसी चीज का एक छोटा सा स्पेसीमैन दिखा दिया जाए आई लव यू सिंपलिसिटी अच्छा धन्यवाद जया त्रिपाठी अच्छा लगा आपसे जुड़ के रियल ऑब्जेक्ट्स इसमें हो सकते हैं स्पेसिमेंट्स जो छोटा रूप होता है फोन के डमी नहीं होते उस तरह के मॉडल्स हो सकते हैं थ्री डायमेंशनल वाले और पपेट जो आ, क्या कहते हैं पपेट को जो भी कहते होंगे राजस्थान में चलती हैं ये समझ पा रहे हो ना ये सब थ्री डी मॉडल्स हैं देख रहे हो ना ट्राइंगल हुआ क्यूबॉइड हुआ ये प्रॉपर लगाए हुए हैं उस पर बना करके तो इनकी थ्री डायमेंशन दिखाई हुई है मॉडल बना दिया एक ठीक है ये फ्लैश चार्ट्स हैं जो नंबर कॉन्सेप्ट में काम आ जाएंगे बच्चे के एक बहुत ही छोटी सी बात बट एक नंबर की बात अगर फंस जाए तो फंस ही जाए कई बार पूछा हुआ है टॉल शेप्स ऑफ टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स पूछता है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स से क्या मतलब है वॉट इज टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स बताएगा कोई किसी की इच्छा जाग रही हो ज्ञान छलक रहा हो तो बता दो एक बार जल्दी बताओ कठपुतली कहते हैं हाँ जल्दी बताओ फटाफट से मज़ा आ रहा है आज वैसे मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ एनर्जी लो की वजह से बट बहुत मज़ा आ रहा है देखो एक बार टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है बताइए बताइए सॉरी कौन कह रहा है अरे मैं तो मज़ाक करती रहती हूँ यार दिल पे मत लिया करो देखिए ये पांच मैराथन हुई है आज पांचवी मैराथन थी मैंने प्ले बना दी है धीरे धीरे देखते रहना एक आध बार और रिवाइज कर जाना सबको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है देखिए अगर मैं बात करूं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड बिल्ड होगा जैसे कहा नहीं जाता बचपन में पहाड़े सीख लो नहीं तो आगे दिक्कत होने वाली है बच्चे बड़ी स्टाइल मार के और वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करके काम चला लेते हैं बट अगर आपको टेबल्स नहीं आते होंगे तो मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत डिवीजन में दिक्कत हर जगह दिक्कत आएगी दैट मीन एक कॉन्सेप्ट करनी पड़ेगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इसी को टॉल शेप कहते हैं टॉल शेप मतलब ऊंचाई ऊंचाई कैसे बिल्ड होगी पहले ये वाला आपका पक्का हो फिर इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाओगे फिर एक और पॉइंट बनाओगे तो इसी तरह से टॉल शेप बनेगी एक के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा इसकी डेफिनेशन अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिए लूम्स एक्सोनॉमी करेंगे इसके बाद थोड़ा सा बस खत्म है फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे देखिए द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज अ प्री रिक्वेस्टेड मतलब टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि जहां पे एक टॉपिक की मास्टरी बेस्ड होती है या जरूरत होती है प्री रिक्वेस्टेड मतलब पहली रिक्वायरमेंट है अनिवार्य है कि अगला टॉपिक तभी आएगा जब पिछले वाला अच्छे से आपने सीख लिया हो शर्त है एक तरीके से ठीक है कि पहला टॉपिक आपको आता हो प्रीवियस नॉलेज अच्छी हो तब आगे बिल्ड किया जाए समझ में आ रही है ये बात या नहीं बताओ आ रही हो तो अब ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बीएस एस ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उन्होंने उन्नीस में डिजाइन की थी यहां पे 1956 वाली है यहाँ 2002 वाली है ये न्यू है बेसिकली ये new है। ये है आपको हर टॉपिक में काम आएगी इस बार मैंने CDP में नहीं थी। बस बता थे। इन्होंने तीन हैं एक है, सिक्स लेवल्स तो हैं अफेक्टिव होता है इमोशंस और साइकोमोटर होता है फिजिकल ठीक तो संज्ञानात्मक दिमाग से जुड़े हुए लेवल्स हैं ये पहला क्या है नॉलेज यानी आप किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं याद कर लिया डेफिनेशन वगैरह दूसरे स्टेज पे आप उसको समझते हैं कॉम्प्रीहेंड करते हैं तीसरे पे आप अप्लाई करते हैं एडिशन की आपने सारी नॉलेज ले ली कॉम्प्रीहेंशन कर लिया अब आप अप्लाई करेंगे दुकान पे जाके देखेंगे हिसाब किताब करके एनालाइज करते हैं उससे रिलेटेड चीजें सिंथेसाइज यानी सारी चीजों को जोड़ के कुछ नया बनाते हैं और रिवेल्यूशन ओवरऑल बाद में जज करते हैं ठीक है बात रिमेंबरिंग में आप def, इसका नया नाम रिमेंबरिंग है नॉलेज का ये सारी वर्ब फॉर्म है ये नाउन फॉर्म थी पहले ये नाउन फॉर्म थी वर्ब फॉर्म है आपकी क्रिया ठीक नॉलेज को रिमेंबरिंग रिमेंबरिंग जिसमें सिर्फ याद रखना हो आपको कोई हो, कोई डेफिनेशन हो हो नाम किसी का है ना अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना भी होगा फिर अप्लाइंग में आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए वो नॉलेज जैसे कि आप सीट में जाके करेंगे एनालाइज मतलब आप आके एनालाइज कर पाए कि मेरी गलती कहां रह गई इवेल्युएटिंग आप जज करते हैं अच्छा ठीक है यार अब जो हुआ इतने आएंगे ठीक है आप इन सब का यूज करके एक नई तैयारी कुछ एक नया बना दें जब that is creating synthesis. देखो इसमें जो जो ये ये तीन है ये हैं हैं ना ऊपर के जिन पे पे बच्चों को इन पे ही फोकस कराना चाहिए और नीचे जो हैं, वो इनमें बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं लगती ठीक है बात इतनी बात तो क्लियर है सबको ही पता है इतनी बात इतनी ही बात पता करेंगे हम इसमें लेवल्स याद कर लेना पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है अगर किस्मत खराब हुई तो पूछ लेगा कुछ क्वेश्चन कर लें सॉल्व या छुट्टी करें बताओ एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें आगे अगर मैथ्स का नहीं भी नंबर आया तब भी ठीक रहेगा फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं हुँ? कर लें चलिए कर लेते हैं कल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और कुछ कुछ चीजें भी बताएंगे आपको कितनी देर बाद कमेंट आएंगे लिखो यार यस हाँ कुछ तो लिखो कर लो लाल ना ये लाल पीले मुझे मत भेजा करो बस ऐसे खून खोल उठता है मेरा देखो एक बार द असेसमेंट ऑफ वाट चिल्ड्रन अब जो लोग जिन लोगों को मजे करने होंगे ना अब वो अब से और रेड इमोजी भेजेंगे देखो एक बार इतना कंट्रोल है खैर द असेसमेंट ऑफ वॉट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं इसका आकलन इसका असेसमेंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए या असेसमेंट के लिए कौन सी एक चीज सही नहीं होनी चाहिए ये बता दीजिए फटाफट से जल्दी से बता दीजिए फटाफट आंसर कीजिए क्लैरिटी कम ही हो तो टाइप करा देंगे देखो एक बार क्या इंपॉर्टेंट नहीं है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भाई अवधारणाएं समझो जरूरी है मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की या कम्युनिटी मैथमेटिक्स होता है जो रियल लाइफ में हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं कम्युनिटी के अंदर चाहे कोई शॉपकीपर करे चाहे उस तरीके से याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें प्रसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भाई आप प्राइमरी लेवल पे बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सटीक तरीके से ही जवाब देगा वो सीख रहा है अभी आप सटीकता पे जज मत कीजिए उसके एक्सप्रेशन पे उसकी अभिव्यक्ति पे जज कीजिए ठीक रीजनिंग स्किल डेवलप हो रही है या नहीं उसने कोशिश तो की गलत कर दिया हो मैथ्स में तो स्टेप के नंबर मिलते हैं ठीक है तो वो देखोगे आप कि भाई किस हद तक ठीक है या उसने सोचा कैसे उसकी रीजनिंग कहां से आई कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया ये नहीं कि प्रिसाइजनेस सही है कि गलत है गलत और सही तो बच्चे कैसे भी टीप के भी ले आएंगे ठीक स्पेशली प्राइमरी लेवल पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर भाई एक अशिक्षित दुकानदार के द्वारा जो गणित का प्रयोग किया जाता है गणित का प्रयोग तो सब कर रहे हैं चाहे कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा है है ना आप रिचार्ज भी कराने जाते थे अगर बचपन में पुराने समय में तो दस रुपए के रिचार्ज में सात रुपए मिलते थे ये तो सभी को पता है कैसे आपने हिसाब लगा लिया तीन रुपए कट गए हमारे है याद है ना वो घिस घिस के रिचार्ज करते थे पहले प्रीपेड वाला तो मैथमेटिक्स तो हर कोई यूज कर रहा है समोसे वाला भी है ना गोलगप्पे वाला भी ऐसे छोड़ो अब कई लोगों के तो मुंह में पानी आ जाएगा तो जो इलिटरेट जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है अशिक्षित शॉपकीपर है उसके द्वारा जो मैथमेटिक्स का यूज है वो क्या है ये पूछा है हमसे बताओ एक बार इतनी पढ़ाई आप लोग पेपर के टाइम पे करते हो साल भर कर लो तो क्या से क्या हो जाओ अभी तो सब सबका कॉन्सेंट्रेशन एकदम हंड्रेड रहता है पेपर टू के लिए कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से काम आ जाएंगे या ज्यादातर बट कुछ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे है ना कुछ चीजें तो ज्यादातर चीजें तो कॉमन ही है बट कुछ चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हो देखो The mathematical, द the mathematics यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर कैसी होगी यूजफुल नहीं होगी बिल्कुल यूजफुल होगी भाई वो भी तो मैथ्स ही है एक तरीका है वो भी सॉल्व करने का यूजफुल है नॉट पूछा है ना हमसे नॉट यूजफुल तो हो ही नहीं सकता इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल ऑल प्रॉब्लम थोड़ी सौ, थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी सब की एडिशन की इन सब की हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये जरूरी थोड़ी है. है ये जरूरी थोड़ी है हुमा खान बता दिया आपकी बात मैंने नेक्स्ट है हैज एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट मतलब उसको स्पष्टता नहीं होती सर आपसे ज्यादा स्पष्टता होगी एक रुपए का भी सवाल इधर से उधर नहीं करेगा तो करेक्टनेस नहीं है ये कहना गलत है शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भाई ऑल्टरनेट वे है ये भी गणित को सॉल्व करने का दूसरा वैकल्पिक तरीका हो सकता है ये आप बच्चों को बता सकते हैं देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो उनको तुरंत समझ में आता है कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव है ये भी एक ऑप्शन है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ठीक है बात तो डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट देखिए द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड लर्निंग आउटकम का मतलब होता है निकल के क्या आया रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम जो लर्निंग आउटकम है या ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं सीखने के प्रतिफल की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से विकसित किया जाए देखो तो तो थोड़ा बहुत डर तो लगना भी चाहिए पढ़ते जाओ अब डर वर्ग की क्या बात है अब तो पेपर में जो होगा तो होगा ही अब तो सरफरोशी की तमन्ना होनी चाहिए इस टाइम डर वर कैसा बताओ एक बार देखिए सच दैट चिल्ड्रन में टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन नहीं नहीं लर्निंग आउटकम किस पे बेस्ड होंगे टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज टू डिफाइन लर्निंग आउटकम का मतलब यह है कि डिफाइन कर पाए वाइज कॉम्पिटेंसीज कि इस चैप्टर को पढ़ के ये आउटकम निकलेगा बच्चों को एडिशन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा थियरम्स आ जाएंगी तो चैप्टर वाइज स्किल्स बच्चे के दिमाग में हो कि इस चैप्टर से यह आएगा टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन यह कभी भी उद्देश्य नहीं होता आउटकम का मतलब है प्रतिफल तो किस चैप्टर को पढ़ के होता नहीं हर एक चैप्टर में आप भी लेसन प्लान बनाते हो अगर तो उसमें लिखते हो कि ये चैप्टर से ये जनरल ऑब्जेक्टिव हैं ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं तो उसी तरीके से आउटकम होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है तो हर एक चैप्टर के लिए कॉम्पिटेंसीज निर्धारित होकर क्या सीखेगा बच्चा यही है लर्निंग आउटकम आउटकम के उससे निकल के क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी किसको आप एक एक्टिविटी कहोगे एक्टिविटी मतलब जहां बच्चा सक्रिय है एक्टिविटी इज समथिंग वेयर चाइल्ड इज एक्टिव तो बच्चा कहाँ एक्टिव है बताइए सक्रिय कहाँ है बच्चा मजा आ जाता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करके मतलब तो ऐसा लगता है अधूरा सा लगता है अगर जरा सी भी छुट्टी हो तो वैसे इस बार तो हमने संडे भी नहीं मनाया कल इंडिपेंड वो है दिमाग देखो मेरा तो सच में कहीं और ही चला गया किसी और ही दुनिया में रिपब्लिक डे है टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स टीचर ये एक्सप्लेन करेगी कैसे करते हैं सवालों को ये इसमें बच्चा कहाँ एक्टिव है ये तो टीचर एक्टिव है बच्चे रिसाइट कर रहे हैं काउंटिंग को दो एक दो, दो चार या एक दो तीन चार पांच तो ये तो रट्टुपना हुआ या रट्टू तोते बन गए हैं रोट मेमोराइजेशन हुआ रोट लर्निंग है ये तो चिल्ड्रन फ्रॉम ब्लैक बोर्ड अगेन बच्चा पैसिव है अगेन बच्चा रोट लर्निंग पे फोकस हो रहा है उसको वो एक्टिव नहीं है सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा फोर्थ ऑप्शन में है जब बच्चा अन्वेषण में एक्सप्लोर करने में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है आंसर होगा डी ऑप्शन एक्सप्लेन करना टीचर का टीचर एक्टिव है इसमें बच्चा कहां एक्टिव है ऐसे आसान क्वेश्चन में भटक जाओगे तो फ्री के नंबर नहीं ले पाओगे जबकि जिसका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है वो भी पैटागॉजी में कुछ नंबर बिल्कुल फ्री के ले सकता है देखो एक बार द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज और आर यानी प्राथमिक पाठ्यक्रम में मैपिंग का मेन पर्पज क्या है मैपिंग होता है बेसिकली बच्चे को बेसिक्स पता चल जाए शेप्स के भाई ये ये है ये ऐसी शेप है ये बेसिकली स्पेशल स्पेशल थिंकिंग उसके अंदर आ जाए दिशा वशा और ये सारी चीजें देखो इसमें स्पेशल थिंकिंग भी ठीक है प्रोपोर्शनल थिंकिंग भी लगेगी लेकिन इजी और इंटरेस्टिंग और मोनोटोनस का यहां पे कोई रोल नहीं है तो आंसर होगा इसका सी आज शाम में डिस्कस किया था ना ये स्पेशल क्लास में उसमें दो बार टाइप हो गया था ए एन बी इसका आंसर है ए एन बी ठीक है कोई दिक्कत परेशानी कोई दर्द कोई दुख सब सही है ना चलो आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सिसम कैन बी यूज बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉमूला मतलब किसके थ्रू आप ये बताओगे कि जो दो रेक्टेंगल हैं दो आयत हैं उनका एरिया सेम हो सकता है बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए तो एक तो तरीका इसका मैंने आपको बताया था जियो बोर्ड पर भी डॉट 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 करके शेप दिखाई जा सकती है ग्राफ पेपर पे दिखा दिया आपने इसने भी इतना ही एरिया लिया हुआ है इसने भी इतना ही तो एक तो ग्राफ पेपर से दिखा सकते हो दूसरा टाइल्स का यूज करके भी आप दिखा सकते हो थ्रेड से कैसे दिखाओगे स्केल से कैसे दिखाओगे तो बी और डी सही है यानी बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है क्लियर है बात ये सब ऑफिशियल आंसर है आगे बढ़ेंगे ऐसे दिखा सकते हो एक तरफ टाइल्स है एक तरफ ग्राफ पेपर है कि देखो ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो एरिया सेम है दोनों का एल इन बी करते थे ना लेंथ इन ब्रेथ लंबाई गुणा चौड़ाई देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इसमें बड़ी दिक्कत होती है लोगों को निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है और ये बहुत रिपीट हो रहा है आजकल क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट से बताओ जल्दी बताओ जल्दी कई लोग कह रहे हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देखो इनका जो ऑफिशियल आंसर है ना वो है सोशियो कल्चरल बैक बैकग्राउंड कि एक बच्चा जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसके घर में मैथमेटिक्स का भरपूर यूज हुआ है कोई शॉप है कोई कैलकुलेशन का मौका मिला है उसको ये चीज प्रभावित करेगी अगर हम करें मैथ्स की इनट एबिलिटी जैसा इन्होंने बिल्कुल मना किया हुआ है कि एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता कि लोगों में ही अलग से क्षमता होगी हालांकि ऐसा है बट क्या कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर इसका वही है जो भी बताया है देखिए फोर्टी क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मेकिंगल्ड टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लेसन प्लानिंग पाठ योजना बनाते थे ना आप अपने बी एड में बी एल एड में कभी मन किया हो तो हमने एक सौ दस बनाए थे पहले साल में अगले साल भी ऐसे ही बनाए थे एक डी यू से लैपटॉप मिला था मुझे उस टाइम पे ग्रेजुएशन छोड़ के डाइट में एडमिशन लिया था जब और उसको सामने रखती थी मैं और लेसन प्लान बनाती थी मस्त रात भर मस्त मूवीज देखी हैं दबा के उस टाइम पर टॉरेंट से डाउनलोड कर करके देखो एक बार याद आ जाता सारा टाइम बताओ एक बार प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर अच्छा यार बच्चों को मौका दोगे ना लेसन प्लानिंग में भी उनको अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकें कॉन्सेप्ट को ऐसी उनको एक्टिविटी का मौका दोगे उसमें कॉर्नर होंगे आपकी प्लानिंग में ही कि मैं इसमें बच्चों से ये क्वेश्चन पूछूंगा या उनको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूंगा या दूंगी ठीक ऐसा नहीं होगा सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट तो कर दिया और बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिला तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो हुई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पर ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिकल क्लास देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद पे जिससे प्याजे वाइगॉस की बिलोंग करते हैं एक क्वेश्चन कम से कम आता है मैथ्स में भी क्योंकि आपका पूरा सिलेबस रचनावाद पे ही बेस्ड है एनसीएफ आपका पूरा इसी पर बेस्ड है ठीक है बात बताइए इसका आंसर कीजिए और तीन चार क्वेश्चन रहते हैं आपके मुश्किल से देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट सिंपल है बच्चा एक्टिव होगा देखो एक बार हाँ हाँ बच्चे कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट नॉट लिखा है ध्यान से पढ़ लेना नहीं तो एक नंबर चला जाएगा जहां नॉट लीस्ट लिखा हो ऐसे कान खड़े कर लिया करो थ्री इडियट वाले और बहुत ही ध्यान से सुना करो है ना बहुत ही ध्यान से देखा करो कि आंसर में गलती की चांसेस बढ़ जाते हैं डायलॉग भी अच्छी बात है बच्चा एक्टिव है यहां भी बच्चा एक्टिव है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी एमसी क्यूज आइटम्स आर यूज एज दी प्राइमरी मीन यानी सिर्फ एमसी क्यूज का ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ज्यादा यूज करो असेसमेंट के लिए नहीं असेसमेंट में तो बल्कि आपको बच्चे की समझ उसने सीखा कैसे इस चीज को देखते हैं एमसी क्यूज से तो आप बच्चों को जज करते हो कि इतना सही हुआ इतना नहीं यहाँ तो आपको पता लगाना है सीखा कितना तो ये गलत है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही फोकस करो यहाँ भी कनेक्शन बिल्ड करोगे ये भी अच्छी बात है नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना करेंगे बस आज का सेशन ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अग्रीमेंट बच्चा एक्टिव होगा पे पे गलत पूछा था, यहाँ पे सही पूछा था, सही है? बताइए फटाफट से। Facts, रटने के बारे में तो नहीं है मैथमेटिक्स डिस्कवर द्रूथ हाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव ये भी हमें पता है विजुअलाइजेशन लेकिन यहां ना जहां बच्चे क्या हैं एक्टिव होंगे मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड मैथमेटिशियंस की बात नहीं हो रही है बच्चों की बात हो रही है बच्चे एक्टिव होने चाहिए विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स बच्चों को आप विजुअलाइज कराएंगे चाहे वो शेप हो साइज हो वट एवर इट इज चाहे वो किसी चीज के किसी टॉपिक के प्रति सोच ना हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे फिर है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमोंग चिल्ड्रन मतलब शेप वगैरह को लेके आसपास की सराउंडिंग को लेके एरिया को लेके ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो पाए इसके लिए क्या जरूरी है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये शायद बताइए नंबर लाइन से शेप का या एरिया का समझ कहां से आएगा ये कोई एस थोड़ी है कि लोकेटिंग सिटीज ऑन द मैप ये तो फिर टाइम मेजरमेंट की बात हो जाएगी कि आपका चंद्रमा कब निकलता है सिंपल है ड्रॉ करके देखेगा बच्चा टॉप व्यू ऑफ द बॉटल टॉप व्यू ऑफ द बॉटल क्योंकि यहां शेप की एरिया की आकार की इन सब चीजों की बात होती है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग स्थानिक होता है शेप से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है नॉट पूछा है क्या बात सही नहीं है मैथमेटिक्स के सीखने के विषय में बताइए बहुत ध्यान से आंसर करना टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हाँ बिल्कुल इम्पैक्ट होता है शिक्षक के बिलीव्स का एक्सपेक्टेशंस का सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी परफॉर्मेंस पे प्रभाव डाल सकता है ये बात भी हम मान लेंगे ये मानते हैं पेपर वाले स्कूल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट हाँ अगर आसान नहीं है इंस्ट्रक्शन टीचर का तरीका मुश्किल है तो दिक्कत होगी सीखने में तो हम कह सकते हैं एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सल इन मैथमेटिक्स इज इनेट ऐसा कुछ नहीं है कि आंतरिक ही होगी क्षमता मैथ्स में अगर तरीके से सिखाया जाए तो कोई भी सीख सकता है है ना तो यही ऑफिशियल आंसर की है और यही सही है कोई आपको कुछ कहे मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक नंबर इसी से मिलने वाला है देखो ये लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर आप लोग यहां तक टिके मतलब आप में बहुत पेशेंस है और आप सीखने के एक शुक भी हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग यानी गणितीय तर्कणा का इंडिकेटर कौन है कि मैथमेटिक्स का थॉट या रीजनिंग लग रही है कौन से ऑप्शन में जल्दी बताइए एक कॉमेंट पढ़ लू इतने में और लाइक शेयर कर देना यार अभी तक ना किया हो तो वैसे जब तक जुड़े हो तो कर ही दिया होगा जलवा है आपका मैम अरे धन्यवाद से धन्यवाद ऐसे ऐसे करके क्या थैंक यू अंशुल आप लखनऊ से हैं एक मिनट रुको तो सही आज सबका कमेंट्स देख रहे हैं मेरा पढ़िए है। मैं एक साल से आपकी क्लास देख रहा हूँ दीदी इकतीस को ये सभी काम आएगा ना हाँ राघव नहीं नहीं ये काम नहीं आएगा मैं तो यहाँ मजाक कर रही हूं मन कर रहा है मेरा ग्यारह बजे सर में दर्द के साथ यहाँ मजाक करने का है मजाक कर रही हूँ खैर बिल्कुल काम में आएगा और आपको यूज़ करने आनी चाहिए चीजें रट के मत जाना अगर आपने सिर्फ ये ये कर लिया कि हिमांशी ने ये बताई हैं कनेक्ट भी करना है चीज़ों को प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने हैं समझना भी बिल्कुल काम आएगा विश्वास से जाओ मैथमेटिकल रीजनिंग देखो आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते ना पांच दिन में क्या कर लोगे जो पढ़ रहे हो कम से कम उसी भी विश्वास रखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग कहां लग रही है डेफिनेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं रोट लर्निंग लगती है रटना लगता है बच्चा जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करा पाए किसी एक प्रोसीजर के लिए कि प्रोसीजर कैसे आया और कैसे सॉल्व हुआ ठीक है एफिशिएंटली कैलकुलेट कर पाए ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई रिकॉल कर पाए देखो इससे भी बेहतर ऑप्शन है बी बच्चा जस्टिफिकेशन बता पाए कि ये जो थियरम है ये जो क्वेश्चन है मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका ये है मतलब उसने थॉट लगाया है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा प्रोसीजर बता सकता है वो आंसर हो गया बी ऑप्शन होपफफली आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे रिवाइज कीजिएगा मैंने आसान जाए जाए आसान चीजें कराई हैं जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आसानी से गेन कर सकें जो बहुत ही योद्धा किस्म के लोग हैं जिनको सब कुछ आता है उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं होगी है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहीं करेंगे जो कि आप करते ही हैं और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों का धन्यवाद उसके लिए ठीक और इसकी जो पी है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर लेट्स लर्न स्क्वाइड बाकी जगह भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं वी आर ओन कॉन्सटेंट अपने साथ बने रहें डर है शर्म त्यागी मत बट कंट्रोल कीजिए पेपर में काम आएगी और सेल्फ कंट्रोल है ना एक मिनट और रुको छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देने का प्रयत्न हम करेंगे है ना और कल से हम अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं एक एक साथ करा सकती हूं है ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जैसा कि आप जानते हैं मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाती हूँ एंड आई एम नंबर वन एजुकेटर देयर इन टी टी कैटेगरी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है पाँच बजे वहाँ डेली क्लास चलती है अगर आप खुद को टेस्ट ही करना चाह रहे हैं सिर्फ पोल ले करके तो पाँच बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली रेफरल कोड रेफरल नहीं ये फर्स्ट कमर कोड होता है एक तरीके से अनलॉक कोड फ्री होती है ये क्लासेस बिल्कुल पाँच से छः लेट्स लर्न पहली बार अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पूछेगा ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है जिसमें सी डी पी के कुछ क्वेश्चन मैथ्स के और ई वी एस या इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन मिक्स करा के मैं कराती हूँ एक घंटे में और प्रॉपर पोल मिलता है आपको तीस सेकेंड में आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं दूसरा एक ये बैच चल रहा है अन अकेडमी पर हर एक मंथ कोई ना कोई बैच आता ही है मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ वहाँ इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर भी शायद यूपी टेट के लिए अगले महीने तो सी नहीं पढ़ाती हूँ अन अकेडमी पे तो ये पंद्रह से अट्ठाईस तक चल रहा है ये बैच आप चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं इसके वीडियोस लेट्स लर्न रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं अन अकेडमी को जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा अन अकेडमी प्लस पे वो आपको मिल जाएगा बाकी स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं ये उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है है ना तो वो तो आप देख ही सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अन अकेडमिक प्रोफाइल और इन सब का अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं ठीक चलिए बाय बाय थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा जुड़ के मजे आए कल फिर मिलेंगे कल क्वेश्चंस करेंगे हो सकता है कल मैं थोड़ा कम काम कराऊँ कई दिन से बैंड बजी पड़ी है तो परसों से फिर कंटिन्यू कर लें कल भी मिलेंगे वैसे हम कुछ ना कुछ तो करेंगे अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे सी डी पी ए करेंगे कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलो फिर बाय बाय टेक केयर टडा गुड नाइट ध्यान रखो रिवीजन करना इन पांच के पांच मैराथन का और लिंक शेयर करना प्लेलिस्ट का जिनको भी डर लग रहा हो पेपर से पहले जरूर देख